ये तो काम ही राठौर, काम ही नहीं राठौर, बीजेपी भाजपा ही बनेगी जहाँ काम नहीं राठौर, काम नहीं राठौर, एक भी बढ़िया प्रत्याशी नहीं। उज्जवल गुप्ता जी को हम समर्थन देंगे। उज्ज्वला गुप्ता हमारे हिसाब से उज्ज्वल गुप्ता जी काम नहीं राठौर जी बनने, राजकुमारी वर्मा को मेयर बनने, राजकुमारी वर्मा को मेयर बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? फिरोजाबाद निकाय चुनाव का ये जो हमारा जमीनी सर्वे है इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम हैं जलेसर रोड पर और ये जलेसर रोड का जो पब्लिक है उसके जन का मन हम जानेंगे कि जलेसर रोड की जनता का मूड क्या कह रहा है और किस तरफ जा रही है। हम आपको जगह जगह का सर्वे दिखा रहे हैं ताकि आप हकीकत से रूबरू हो सके, आपको पता चल सके कि वाकई लोग जो है वो जमीनी स्तर पर क्या सोचते हैं। ये जो सर्वे है लोग व्हाट्सएप पर फेसबुक पर जो सर्वे कर रहे हैं उससे कहीं अलग है और ये हकीकत आपको कहीं ना कहीं जरूर दिखाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार वीडियो को देखते रहिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इसको बराबर देख सकें। और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाकर के हमारे दूसरे वीडियोज भी देखिए जो कि हमने अलग अलग जगहों पर किए हैं और साथ के साथ में हम आपको बराबर दिखाते रहेंगे। लास्ट में हम कंक्लूजन भी दिखाएंगे कि सारी जगह का मिला करके लोगों का मूड क्या बना है और पब्लिक का रुझान किस तरफ है। तो ये सब देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और लोगों से जानते हैं कि उनका मूड किस तरफ है और ये जो चुनावी हवा है वो किस तरफ बह रही है। ये क्विक सर्वे है, जल्दी जल्दी हम आपको बताएंगे, सिर्फ लोगों से इतना पूछेंगे कि इस बार वो मेयर किसको बनाना चाहते हैं। तो आइए हमारे साथ इस तरफ चलते हैं और इधर कुछ लोग हमें मिलेंगे जिनसे हम जानेंगे कि इस बार वो किसकी सरकार चाहते हैं। तो जनाब, इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? इस बार मेयर मेयर कौन? नूतन राठौर। नूतन राठौर तो चली गई कब की। आप कैसे चाहते हैं भैया? कामिनी राठौर को। आप कैसे चाहते हैं? कामिनी। आप कैसे चाहते हैं भैया? मेयर कौन बनना चाहिए इस बार? राजेश यादव कौन खड़े हैं भैया? अच्छा, मेयर बताइए। मेयर पूछ रहा हूँ मैं तो, जो है वही रहनी चाहिए, कौन सी पार्टी? कमल वाली। हाँ, आप बताएं, वोट है आपका? वोट नहीं है। चलिए आप बताइए भैया, नहीं है वोट? नहीं है, ठीक है, आपका वोट है? हाँ, कैसे देंगे? कामिनी राठौर। आइए भैया, इस बार किसको वोट देना चाह रहे हैं, किसको जताएंगे मेयर सीट पर, किसको बिठाना चाहते हैं? बीजेपी। भैया मेयर कौन इस बार? बीजेपी। आइए और लोगों से मिलेंगे और जल्दी जल्दी हम पूछेंगे यहाँ पर। इसको बोलते हैं झील की पुलिया और ये झील की पुलिया के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं भैया? ये अंडे बेच रहे हैं। वोट है आपका? है। किसको देंगे मेयर? मेयर कौन बनाएंगे मेयर? मेयर उज्ज्वल गुप्ता को बनाएंगे मेयर, ठीक है। इस बार आप मेयर किसको बनाएंगे? उज्ज्वल गुप्ता को बनाएंगे इस बार मेयर बनाएंगे। यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर यार काम कर रहे हैं। वोट है आपका? किसको देंगे मेयर? किसको बनाएंगे? हम तो फूल वाले को बनाएंगे। फूल वाले को बनाएंगे। आप किसको मेयर बनाएंगे? ये भी होता है। कौन? फूल। हाँ, आप किसको मेयर बनना चाहते हैं? वोटर कार्ड नहीं है। अच्छा, आपका है? नहीं है। अरे है, छोटे छोटे बच्चे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भैया इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? भाजपा ही बनेगा। भाजपा बनना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन बनना चाहिए मेयर? भैया भाजपा ही बनेगी जहाँ तक है। भाजपा इस बार मेयर किसका हो, हम ये आपसे लगातार बता रहे हैं, लोगों से पूछ करके लोगों का सर्वे किया। भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? पार्टी कौन सी? पार्टी कचना वालम। आप बताइए कौन सी मेयर बनना चाहिए, कौन सी पार्टी का बनी? तो है अच्छा। हाँ, बड़ी देर में सोच के बोले हैं।
भैया क्या कहते हैं, इस बार मेयर किसका बनना चाहिए? फूल का ही बनेगा। फूल का ही बनेगा। हाँ आपको क्या लगता है भैया, मेयर किसका बनना चाहिए? फूल ही बनेगा। फूल? हाँ इधर भैया, नहीं आप बताइए। हाँ फूल बनेगा। फूल बनेगा, आपको क्या लगता है? बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते, चलिए कोई बात नहीं। भैया मेयर किसका बनना चाहिए इस बार? सर फूल को बनना चाहिए। फूल का बनना चाहिए, आपको क्या लगता है? फूल का बनना चाहिए। आइए मेयर किसका बनना चाहिए इस बार? मेयर कौन बनना चाहिए? वोट है। वोट? हाँ किस पार्टी को देंगे? वो जवानी भैया। कौन सी पार्टी को देंगे? फूल को देंगे, साइकिल को देंगे, हाथी को देंगे, किसको देंगे? समय बताएगा। इधर हाँ सर आप बताइए, सर इस बार मेयर किसका बनना चाहिए? हम तो बाहर के हैं। बाहर के हैं, अंदर वालों को पूछते हैं। हाँ भैया अंदर हैं। किसको इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? वोट नहीं है इधर, वोट नहीं है। वोट आपका है? वोट है आपका? किसको मेयर बनाना चाहते हैं? कामिनी राठौर। आइए आइए इधर जलते हैं भैया। अरे इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? मेयर किसको बनाना चाहते हैं? नेता नगरी में नहीं है भैया। मेयर किसको बनाना चाहते हैं? लेकिन इस बार कामिनी राठौर को। मेयर नहीं, मेयर वोट ही नहीं है, वोट नहीं है। चलिए 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 चलिए, वोट नहीं है। इस तरफ आते हैं और इधर 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 कुछ लोग हैं, ये हैं हमारे भैया। मेयर किसको बनाना चाहते हैं इस बार? मेयर? हाँ कौन बने? मैं नहीं है, मतलब का नाम तो जानते ही ना। अच्छा पार्टी बता दो, निशान बता दो, कुछ भी बता दो। कामनी राठौर। नाम नहीं मालूम है जलेसर रोड वालों को, जलेसर रोड वाले प्रत्याशियों का नाम नहीं जानते हैं। प्रत्याशी या तो यहाँ आए नहीं है, लोगों से मिले नहीं। भैया इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? नूतन राव, उसका नाम है कामनी राठौर को। अच्छा इधर दुकान वाले हैं, इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? मेयर तो अबे जयडाम पे उज्जवल गुप्ता। हाँ जी आप बताएं। उज्जवल गुप्ता। क्या बात है, इधर लोग चले सर रोड पर, उज्जवल गुप्ता कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रहे हैं। यहाँ और कोई पार्टी अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाई है, मेडिकल स्टोर है। भैया इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? इनको भैया, आपको? हम तो बोल नहीं सकते। अच्छा फिर भी आप बताएं। ऐसा पब्लिक सस्पेंस में है। तो सस्पेंस किधर जा सकता है? किधर भी जा सकता है। अंदाजा क्या है, हवा किधर है? अभी कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। आपको क्या लगता है मैडम? हमें भी पता नहीं है, ये सब दुनिया करेगा वो हम करेंगे। अच्छा जो सब दुनिया करेगी वो हम करेंगे। आइए भैया इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? कामनी जी को बनाएंगे। अच्छा कामनी जी को बनाएंगे, आप किसको बनाएंगे? कामनी। अच्छा आपका वोट है? नहीं है, वोट नहीं है। हाँ कहाँ से बोलता? वोट है। नहीं है भैया। मेयर किसको बनाना चाहते हैं इस बार? मेयर भैया हम यहाँ के रहने वाले हैं। ओहो विधानसभा में आते हैं। चलिए तो वोट ही जितवाएंगे। हाँ वोट है? है वोट है मतलब वोट डालते हो? वोट मेरा नहीं है। बनवाओ। अजी भैया इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? देखते हैं सर समय पर बताएंगे। भैया मेयर किसको बनाना चाहते हैं? मेयर कौन बनेगा? मेयर कौन बनेगा आपको पता? हमें बताया था कि यहाँ पर एक दुकान है, उनको पता है। आपको नहीं पता? अरे आपको नहीं पता, झूठी अफवाहें फैला देते हैं यार लोग। बड़ी झूठी अफवाहें फैला देते हैं।
लोग आइए। लेकिन आप हाँ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा हो तो। भैया इस बार मेयर कौन बनेगा, अंदाजा है? सर उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता, उज्जवल गुप्ता इधर। सर आपको क्या लगता है मेयर कौन बनेगा इस बार, मेयर कौन बनेगा इस बार? समय बताएगा कौन सा बनेगा। समय बताएगा और ये समय 13 तारीख को आएगा। 4 तारीख को वोट का अधिकार दिखाएंगे लोग और 13 तारीख को जो समय है वो आ जाएगा और पता चलेगा कि भैया इस बार मेयर कौन बनेगा। वोट किधर देंगे? लहर किधर दिख रही है? किधर भी ना दिख रही। हो भैया, भैया एक मिनट, वोट है आपका? हाँ। किसको देंगे? हम लोग तो वोट मोदी को देंगे, देखो हमें पेंसिल पेंसिल वहीं से मिलेगा। अच्छा मोदी को देंगे? भाजपा को देंगे? किसको किसको देंगे वोट? योगी जी। योगी जी को देंगे? अच्छा क्यों? क्योंकि वो हम लोगों के लिए सुविधा करते हैं। अच्छा क्या सुविधा करी है? हमारे के लिए ट्राईसाइकिल और जो बैटरी वाली गाड़ी है वो हमारे लोगों के लिए लाभ दे रही है। अच्छा तो हम लोग तो उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को वोट देंगे, चलिए अच्छा है। आइए आइए और लोगों से मिलकर पूछते हैं इस बार वो किसको 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 भैया इस बार मेयर कौन बनेगा? मेयर के वैसे तो देखा जाए तो कोई भी अच्छा प्रत्याशी नहीं है। अच्छा आप दमदारी में तो पार्टी के नाते देखते हुए जो देश की बाहर चल रही है उसके मुताबिक लोगों की मजबूरी भी है कि वोट करेंगे। अच्छा किसको? बीजेपी को। बीजेपी को करेंगे तो बनना किसका चाहिए जी? बनना कौन चाहिए? बनने के लिए तो बता तो रहा हूँ मैं, एक भी बढ़िया प्रत्याशी नहीं नहीं है जिसकी के राजनीतिक पृष्ठभूमि हो। मगर ये है कि असीजा जी के सहयोग से हो सकता है कि ये बाहर अच्छी बन जाए और वही पूरी राजनीति घूम रही। चलिए चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको क्या लगता है मेयर? अच्छा जानता नहीं है, इसमें जानते नहीं है इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए इस बार? मेरे समय में पुराना हूं। अच्छा तो वोट किसे देंगे? वोट मेयर है दिल्ली और को। अरे कौन 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 सी पार्टी को? फूल निजान कौन बताओ? भूलेंगे दिल्ली और को। फूल को देंगे? साइकिल को ना देंगे? साइकिल को देंगे। अरे यार एक बताओ ना किसको देंगे, कौन जीतना चाहिए ये बताओ? अच्छा कौन जीतना चाहिए, साइकिल जीतनी चाहिए, फूल जीतना चाहिए कि हाथी जीतना चाहिए? पोलिंग पे पहुंच के आ जाएगी, पोलिंग पे पहुंच के आ जाएगी। ओहो भैया पानी ला रहे हैं कहाँ से? घर से। घर से? अरे और ये क्या है? ये दुकान है। अच्छा तो भैया ये बताइए कि इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? वोट तो मालूम पड़े। अच्छा तो वोट तो है, वोट तो 4 तारीख को पड़ेंगे। वोट तो है हम पे। वोट तो है। किसको किसको जिताना चाहते हैं? ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा। अच्छा ऐसे नहीं मालूम पड़ेगी। आपको क्या लगता है इस बार कौन मेयर बनना चाहिए? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता बननी चाहिए, उज्जवल गुप्ता का इधर वोट है। हाँ भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर तो आपको साइकिल वाला बनना चाहिए। साइकिल वाला? साइकिल वाला मेयर बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? भाई जो साइकिल वाला हो चाहे फूल वाला हो जो सही समस्याओं को सुने वो मेयर बनना चाहिए। अच्छा तो कौन सुनेगा आपको लगता है? अब तो प्रत्याशी क्लियर है, अब देखते हैं कौन सुनेगा। आपको नहीं पता? इस तरह से कैसे बता सकते हैं? कैसे बता सकते हैं? अच्छा 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 अब बोल दिया। हाँ चलिए कोई बात नहीं, हम इधर पूछते हैं आइसक्रीम वाले भैया से। भैया वोट है? वोट है आपका? राजस्थान का। राजस्थान का वोट है? यूपी का नहीं है? यूपी का नहीं है? हमारे पास है यूपी का वोट। हाँ किसके पास है? आपके पास है? हमारे पास वोट नहीं है। वोट नहीं है आपके पास? है भैया वोट पूछ कर दिया बताया। अच्छा चलिए हाँ जी इस बार मेयर कौन बनेगा? नितिन राठौर। नूतन राठौर कहाँ खड़ी है? कामिनी राठौर। अच्छा कामिनी राठौर। चलिए इस बार मेयर कौन बनेगा?
नहीं बनेगा। वोट किसको देंगे? वोट नहीं है लोकल के बंदे हैं। अच्छा हाँ लोकल का ही तो पूछ रहे हैं। अरे हम तो यहाँ 8 किलोमीटर दूर गए। अच्छा हाँ बताइए भैया मेयर कौन बनेगा इस बार? मेयर कौन बनना चाहिए? टीवी में आओ तो मैं बताऊंगा कौन बनेगा। हाँ 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 बताओ बताओ कामनी राठौर कौन बनेगा? कामनी राठौर। कामनी राठौर क्यों क्यों? कामनी राठौर समाज से ना। अच्छा राठौर समाज से हैं। राठौर समाज से हैं भैया। इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? कौन कौन? फूल जीतना चाहिए। फूल जीतना चाहिए इधर। फूल फूल जीतना चाहिए। आइए आइए अजी भैया मेयर कौन बनना चाहिए इस बार? मेयर मेयर अब देखो भैया अभी तो कोई आइडिया नहीं। कौन सी पार्टी? फूल होना चाहिए। फूल होना चाहिए। फूल होना चाहिए इधर। इधर फूल होना चाहिए। अजी इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए बता दो। कौन सी पार्टी? कामनी राठौर। कामनी राठौर। अच्छा आपको क्या लगता है? कामनी राठौर। हाँ जी इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर। मेयर कौन बनना चाहिए इस बार? किसको वोट देंगे? नहीं किसको वोट देंगे? वोट नहीं है। वोट है हमसे। अच्छा वोट वोट है आपका। किसको देंगे? मेयर कौन बनना चाहिए? फूल को। फूल को। फूल को। फूल इधर 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 कुछ दुकानें हैं। भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से बनना चाहिए उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता को बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वो मतलब अच्छी खासी उसके हाई क्वालिफिकेशन उसकी मतलब समझदार है। हाँ, और एक शहर में चलाने लगे एक अच्छी हाई क्वालिटी की मतलब कैंडिडेट चाहिए। हाँ हाई क्वालिटी की मेयर चाहिए भाई लोगों को। हाँ ये कह रहे हैं। भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए सर? मेयर कौन? ये भाई साहब आप भी खड़े हैं? अरे हमें नहीं पता था। तो सर मेयर कौन बनना चाहिए? जो अच्छा कार्य करे। अच्छा कार्य करे कौन होना चाहिए? कौन सी पार्टी लगती है आपको अच्छा काम करेगी? कर्मठ हो, योग्य हो, ईमानदार हो, हमारे जिला को मजाने वाला हो। कौन कौन लगता है ऐसा काम कौन करेगा? बसपा सपा भाजपा जो पार्टी केंद्र में वो ही काम करेगी जो केंद्र में है। जी हाँ। जी मैडम आपको क्या लगता है? भाजपा। 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 आइए और जानते हैं कुछ लोगों से पूछेंगे कि इस बार मेयर कौन बनना चाहिए। पसंद आ रहा है तो शेयर नहीं कर रहे हो आप। हाँ भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? भाजपा भैया। भाजपा। भाजपा मेयर कौन बनना चाहिए? मेरा वही आंसर है। हाँ आपका क्या? मेयर कौन बनना चाहिए? जो पहले थे भाजपा। हाँ फूल में जाएगा। फूल में जाएगा। फूल में ही जाएगा। आइए और जल्दी जल्दी पूछते हैं आपको। बहुत जल्दी हम ये सर्वे दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बार मेयर कौन बनना चाहिए भैया? उज्ज्वला। उज्ज्वल। उज्ज्वल गुप्ता बननी चाहिए इधर। यार क्या बताऊं मैं आपको? बताओ कोई भी बता दो। नूतन राठौर तो खड़ी नहीं है। नहीं हाँ वो खड़ी है कामिनी राठौर। कामिनी राठौर। हाँ कामिनी राठौर। कामिनी राठौर को बनाएंगे। हाँ अच्छा आपको क्या लगता है भैया किसको बनाएंगे? कामनी राठौर ही ठीक है। अच्छा उन्हीं को बनाएंगे। अच्छा क्यों ठीक है? अपनी बताओ यार दूसरे की ना पूछो। चलो 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 ठीक है भैया थैंक यू। तो कौन से पे आएंगे हम?
के आई ए न्यूज पे। कौन सी वाली? के आई ए न्यूज सर्च करना। ये अच्छा, रुक दो यार, रुक दो यार। अरे हाँ हाँ, निकलना। जगह जगह आप पर हो गए हैं। जगह जगह कर रहे हैं। सही है। लगातार भैया भैया एक मिनट, इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? हाँ, वोट किसको देंगे? कौन कौन हो सकता है? अच्छा, कौन सी पार्टी? कामिनी हो सकती है। अच्छा ठीक है। इधर भैया, मेयर इस बार किसको बनाना चाहते हैं? मैं यहाँ का नहीं। अच्छा, मेयर किसको बनाना चाहते हैं इस बार? मेयर कामिनी राठौर। कामिनी राठौर, आप बताएं। बस यही है भैया, यही है कामिनी। अच्छा आइए, इस बार जनता का रुझान जो है वो जो भी हो, फिलहाल आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ जी सर, इस बार मेयर किसको बनाना चाहते हैं? फूल को बनाना चाहते हैं। सर इस बार किसको मेयर बनाना चाहते हैं? ओफो गौरव जी, किसको बनाना चाहते हैं मेयर? अब जी तो समय ही बताएगा, समय बताएगा। नहीं, आप अपना वोट मत बताइए, आप ये बता दीजिए बस, हवा और लहर किधर है? नहीं, लहर तो दोनों ही तरफ चल रही है कि एक तो कामिनी राठौर की तरफ भी चल रही है और इधर उज्जवल गुप्ता की तरफ भी चल रही है, लहर तो दोनों ही तरफ है, बराबर की टक्कर है। वोटर किधर है जा सकता है? अब ऐसे तो मूल्यांकन तो उसी समय किया जाएगा, अभी तो नहीं कर सकते। चलिए आप बताइए सर, समय ही बताएगा, समय बताएगा। जैसे तो कमल का फूल ही है। अच्छा, कमल का फूल ही है। आइए फिर और लोगों से जानते हैं और बहुत जल्दी इस क्विक सर्वे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस बार महापौर की सीट पर कौन विराजमान होगा और लोग किसे पसंद कर रहे हैं। हवा किधर चल रही है ये जानने की कोशिश करेंगे। सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? हाँ अच्छा, चलिए मैडम इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? वोट है आपका? हाँ है। तो किधर देंगे? भाजपा को। आपको क्या लगता है? भाजपा। आइए, ये पैदल पैदल अद्भुत सर्वे है, जमीनी स्तर पर इस तरीके से रोड पर रैंडम लोगों से पूछा कि वो किसको चाहते हैं। चार लोग खड़े करके कोई भी पूछ सकता है, लेकिन हम आपको हकीकत बताना चाहते हैं और वो हकीकत जमीन पर उतर कर ही आएगी और वो हकीकत रैंडम लोगों से पूछने से पता चलेगी कि इस बार वो किसको चाहते हैं और कौन इस बार महापौर बन सकता है। तो सर इस बार महापौर कौन बनना चाहिए? सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? भाई साहब मैं तो ड्यूटी से आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताएंगे मेयर जी वर्मा जी, इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? ये मेयर किसी सरकार को बनाएगा और कौन बनाएगा? अच्छा, यानी भाजपा। भाजपा भाजपा, चलिए आइए और लोगों से जानते हैं कि इस बार मेयर कौन बनना चाहिए। इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कामिनी राठौर बननी चाहिए आपके हिसाब से? आइए इधर पूछते हैं, इधर पता करते हैं। ये इंदिरा मेडिकल स्टोर है और यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाएं मिलती हैं, तो इनसे जानेंगे सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? इस बार मेयर तो बनना चाहिए, आपको टिकट ही नहीं दिलवाई तो मिला। अच्छा कौन? इंदिरा राठौर जी को। अच्छा तो चलिए, उनकी पार्टी से कोई और तो खड़ा है। इनकी पार्टी से? बीजेपी से। लेकिन व्यक्ति विशेष होना चाहिए ना। अच्छा, कैंडिडेट बदल देगा तो यही चलता रहेगा। अच्छा तो बनना किसको? पब्लिक प्रैक्टिकल के लिए बनाई गई है। चलिए, पब्लिक पर प्रैक्टिकल हुआ जा रहा है। अच्छा, कौन योग्य दिख रहा है आपको? फिलहाल के कैंडिडेटों में मैं किसी के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। अच्छा, क्योंकि इस समय फरियाद की स्थिति रहती है कि यहाँ पर सीटें जो दी गई हैं, जो भी व्यक्ति विशेष को दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरने के हिसाब से दी गई। अच्छा, तो फरियाद का विकास करने के हिसाब से, विकास करने के हिसाब से नहीं दी गई है, ऐसा लोगों का आरोप भी है। तो आइए हम और कुछ लोगों से पूछें कि इस बार जो है वो वोट है आपका? नहीं है आपका? है सर, वोट है, वोट
नहीं है। चलिए आइए। भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए? कामनी राठौर। आइए इधर। भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर उज्जवल गुप्ता। अरे हमें क्यों पूछे यार, जो तुम्हारी जो तुम्हारा मन करे वो बता दो यार। हाँ बता भैया, इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कामनी राठौर। हाँ अच्छा, कामिनी राठौर। क्यों? क्यों? बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा आप बताइए सर, आप बताइए। कामिनी राठौर। कामिनी राठौर। कामिनी राठौर। हाँ आप बताएं सर। काम का वोट होना चाहिए जी, जो काम कर रहा है उसका वोट होना। अच्छा तो कौन? पार्टी समझ रहे हैं आप? पार्टी समझ रहे हैं आप? आप समझ रहे हो तो बता दीजिएगा कमेंट करके, हमें तो नहीं पता। भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? तो पब्लिक ही तो सब जानती है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, अपनी राय कुछ नहीं देंगे। अच्छा अपनी राय कुछ नहीं देंगे। थैंक यू। और धीरे धीरे करके हमारी जो पदयात्रा है वो धीरे धीरे करके आ गई है विभव नगर चौराहे पर। और यहाँ विभव नगर चौराहे पर भी लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं ये हम आपसे पूछते हैं। भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? ये हमें हम कैसे बता सकते हैं कौन होना चाहिए? अच्छा आप ही तो बता सकते हैं, वोट देने तो आप ही जाएंगे। वो सब कुछ है, मतलब जो थोड़े माले में कम रूमी में कौन जाएगा कौन नहीं निकलेगा। ठीक है तो हवा किधर लग रही है आपको? एक आम दम बैठ जाता है, किसी दिन आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से टाइम ही नहीं मिलता आगे बैठे। चलिए चलिए, नौकरी से टाइम नहीं मिलता है, लेकिन भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर आप कौन बनना चाहिए? मेयर आपका उज्जवल गुप्ता जी। उज्जवल गुप्ता को बनना चाहिए। आपके हिसाब से किसको बनना चाहिए? सर जो पढ़ा लिखा योग्य हो। हाँ जो अपने मतलब हमारे जो रोड का या मतलब गली को उसका विकास कर सके, और जो अपने पढ़े लिखे योग्य हो उसको हम मेयर बनाएंगे। अच्छा हमारे हिसाब से उज्जवल गुप्ता जी हो। उज्जवल गुप्ता, आपको आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? जैसे कि बीजेपी। बीजेपी अच्छा, क्यों? वो जे के आंदोलनी के हिसाब से देखी जाए तो बीजेपी। अच्छा और ओपन में देखी जाए तो ना जे तो कांग्रेस सपा। हाँ मालूम है कि जे उल्टा करते। अच्छा तो कौन आपके हिसाब से? बीजेपी। बीजेपी बीजेपी। आइए और ये विभव नगर चौराहे पर सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? I'm coming from outside. Oh, you are coming from outside. So, where are you from? I'm from Gurgaon. Sorry, Gurgaon. Very good. सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? बाहर के हैं, गुजरात के हैं ये। इधर गुड़गांव के हैं, उधर गुजरात के हैं। इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए इस बार बताइए मैडम। नहीं आप बताइए, मेयर कौन बनना चाहिए इस बार? मेयर कौन बनना चाहिए भैया? यार इस बार नूतन ना, वो क्या नाम है उनका, कामनी राठौर। कामनी राठौर। आपको क्या लगता है मेयर कौन बनना चाहिए? राठौर। राठौर राठौर राठौर। मेयर कौन बनना चाहिए भैया? मेयर कौन बनना चाहिए इस बार? पढ़ा लिखा आदमी। पढ़ा लिखा कौन है? जो भी जो एक्टिव होगा, पढ़ा लिखा होगा, जिसे बोलना आता होगा। अच्छा कौन? अब आप समझ जाओ। नहीं हम तो नहीं समझते, हम तो ना समझ आदमी है। ना समझ होते तो आप माइक नहीं पकड़ के नहीं, 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 ना समझ आदमी मानी जाएगी। चलिए ना समझ होते माइक नहीं पकड़ के। बताइए बताइए इस बार कौन मेयर बनना चाहिए? मेयर जो पढ़ा लिखा हो, जो विकास का कार्य करे वही मेयर है। चलिए आप कमेंट करके बता दीजिए, हमें तो नहीं पता, लेकिन आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इनका इशारा किसकी तरफ है। चलिए सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए क्या बताएं? हाँ हाँ बता। अच्छा बताओ। अरविंद राजकुमारी वर्मा को मेयर बनना। राजकुमारी वर्मा को मेयर बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम करती हैं? मतलब जनता के बारे में सोचती है। और अरविंद केजरीवाल भी ले लो दिल्ली में। हाँ। भी अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे अगर वे करेंगे, जैसे वे कर रहे हैं उनकी पार्टी में वे हैं, तो वैसे भी करेंगे, तो लोगों ने लाभ होगा। और उससे क्या कहते हैं फिर, और मैं तो चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी है जो प्रधानमंत्री भी बन जाए। अच्छा उससे क्या लाभ होगा? उससे ये लाभ होगा, जो
सुविधा यानी कि जो सुविधा वगैरह है जो दिल्ली में है वो पूरे हमारे भारत में होगी। तो देश को अच्छा। केजरीवाल जी आदमी आ जाएंगे तो अच्छा, केजरीवाल जैसे आदमी आ जाएंगे तो देश लेट डूबेगा। कैसे डूब जाएगा? जब फ्री में सब चीज बटेगी, रेबड़ी बटेगी, फ्री की लाएंगे कहाँ से? तो फ्री में तो योगी जी भी बांट रहे हैं, जो केवल सीमित दायरे में बांट रहे हैं। ये नहीं है फ्री फ्री सब चीज फ्री। अच्छा ये नहीं है? हाँ भैया ये फ्री वाला बता रहे। तो जब बात तो ये कितना राशन फ्री दे रहे हैं, ठीक है, और जे तो देख रहे हैं ना कोरोना काल में बचा दिया उन्होंने, जगह देख रहे हो तुम जेल भूल रहे हो। बस अब कोई और सरकार होती भूख आती जो जरूरी सेवा है वही तो उन्होंने दी है। प्रधानमंत्री तो जरूरी है सभी को बांटो। जब जो जरूरी राशन जरूरी है जिसको जरूरत है उसको दे रहे हैं वो, अरे किसी को तो नहीं दे रहे। जिनके जो सामर्थ है उसका तो राशन कार्ड काट ही दिया है भाई। जो गरीब तबके का आदमी उनका राशन मिल रहा है तो जेका सभी को देने भी बांट रहे। तो बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, अच्छा फ्री कर दो। अच्छा तो फ्री होगी तो उससे किसका लाभ होगा? आपका ही तो होगा। व्यापारी मरेगा सभी सब्जी फ्री होगी तो? अच्छा व्यापारी मर जाएगा? ये फ्री व्यापारी से टैक्स जाता है और किससे जाता है? तो व्यापारी मर जाएगा, व्यापारी मरेगा। आपको क्या लगता है सर किस बार इस बार मेयर कौन होना चाहिए? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता आपको क्या लगता है? उज्जवल गुप्ता। हाँ जी सर इस बार मेयर कौन होना चाहिए? नो कमेंट। मेयर कौन होना चाहिए? मेयर कौन होना चाहिए? मेयर कौन होना चाहिए इस बार? नहीं मेयर कौन होना चाहिए इस बार? कामनी राठौर। कामनी राठौर होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भैया जी? इस बार मेयर कौन होना चाहिए सर? मेयर जी तो जिसकी सत्ता उसी की मेयर आएगी। जिसकी सत्ता है उसकी ही मेयर आएगी। मन तो बहुत था आपसे पूछने का लेकिन आप गले में पटका डाले हैं बीजेपी का। आपसे पूछेंगे तो आप बीजेपी ही बताइएगा। हाँ आप बताइए सर इस बार मेयर कौन होना चाहिए? इस बार मेयर बीजेपी। बीजेपी आपको क्या लगता है सर? बीजेपी। बीजेपी जी। बीजेपी। बीजेपी जी बताएं सर इस बार कौन मेयर होना चाहिए? बीजेपी आना चाहिए। हाँ चलिए भैया इस बार मेयर कौन होना चाहिए? भैया मेयर ये तो समय देख के ही मालूम पड़ेगा कि कौन बनेगा। फिर भी हवा है लहर किधर कुछ दिख रहा होगा। लहर तो देखो जिस किसी की चल रही है वो तो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। हाँ सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? कामनी राठौर को बनना चाहिए। इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? अरे भैया जा मामले में मैं ना जानता हूँ। हाँ। पढ़ो ही ना। लो जी और ये बहुत तेज है इस बार मेयर कौन बनना चाहिए भैया? बीजेपी की सरकार है। सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए? ये तो भैया सुना वक्त बताएगा। हवा लहर कुछ दिख रही है किधर भी? टक्कर किस किस की है? उज्जवल गुप्ता और कामनी राठौर की है। कामनी राठौर की है और उज्जवल गुप्ता की है। तो बस इस इलाके में इस बार मेयर कौन बनना चाहिए भैया? मेयर इस बार जो है उज्जवल गुप्ता जी को हम समर्थन देंगे। उज्जवल गुप्ता क्यों? बसरते अच्छा शर्त भी लगा दी ठीक है बताओ। बसरते इंसान को शिक्षित होने के नाते हम उज्जवल गुप्ता को सपोर्ट करें। अच्छा जी और कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि कुछ विपक्ष में बोलूंगा जो भी बोलूंगा मैं। हाँ। इसलिए मैं अपनी वाड़ी को ये बता। अरे तो हम तो पक्ष पूछा ही नहीं रहे यार। तो आइए और लोगों से पूछे और जाने की इस बार महापौर कौन होना चाहिए इस बार भैया मेयर कौन बनना चाहिए इस बार? जो ज्यादा पढ़ा लिखा हो वो बनना चाहिए। कौन है ज्यादा पढ़ा लिखा? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता आपको क्या लगता है भैया इस बार कौन मेयर बनना चाहिए? जब वोटे ही नहीं बना। क्यों नहीं बना यार 18 के तो हो गए। होने वाला अच्छा 2 महीने बाद होने वाले हैं ये। हाँ आपको क्या लगता है मेयर कौन बनना चाहिए भैया? तो भाई वोट ही ना हमने दिया था। अरे
देहात के भी लोग हैं, आप बताएं सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? उज्जवल को बनना चाहिए भाई। उज्जवल को बनना चाहिए। भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर बननी चाहिए उज्जवला गुप्ता। उज्जवल गुप्ता जी। अच्छा आप किसको चाहते हैं भैया? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता को। आप मैडम? नो कमेंट। नो कमेंट। इस बार मेयर किसको बनना चाहिए? मेयर किसको बनना चाहिए? मेयर किसको बनना चाहिए? मेयर बनना चाहिए कोई नया। कौन? यही पहिया। पहिया। अच्छा आपको क्या लगता है सर इस बार कौन होना चाहिए जो अच्छा विकास करे? कौन? अब नाम तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है निशान बता दो। नहीं मुझे निशान भी नहीं पता, मैं तो बाहर का हूँ। अच्छा बाहर के हैं। अच्छा चलिए इधर शायद अंदर के हैं, आप अंदर के हैं। अच्छा बताइए तो कौन होना चाहिए इस बार मेयर? कांग्रेस होना। कांग्रेस होना चाहिए। कांग्रेस होना चाहिए। एक वोट आया है नुसरत अली का। भैया इस बार मेयर कौन होना चाहिए? कामनी राठौर। कामनी राठौर। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? भैया कोई बन जाए। कोई भी बन जाए। नहीं एक तो बताओ यार। कामनी राठौर बन जाए। कामनी राठौर बनना चाहिए। अच्छा मैडम आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए? कोई बन जाए हमारे लिए। फिर भी हमें वोट भी नहीं देना ना यहाँ पे। अच्छा वोट नहीं देना है यहाँ पे। चलिए आपको वोट देना है यहाँ पे? बिल्कुल देना। अच्छा तो किसको देना है? बीजेपी को देना है। बीजेपी को देना है। बीजेपी इधर है, आइए इस तरफ है, थोड़ी सी रौनक। तो इस रौनक से जानते हैं कि क्या माहौल है, क्या माहौल है इस बार। किसको मेयर बनना चाहिए सर? भाजपा को। आपको क्या लगता है? कामनी राठौर। कामनी राठौर। सर इधर इधर आपको क्या लगता है? कामनी राठौर। कामनी राठौर। हाँ कामनी राठौर ही बनेंगे। कामनी राठौर होना चाहिए, होना चाहिए। आइए और लोगों से पूछिए जल्दी। ये जो सर्वे है बड़ा यूनिक है, इसमें आपको सच बताने के लिए हमें भागना दौड़ना बहुत पड़ता है, लेकिन सच बता रहे हैं इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप बताइए सर इस बार मेयर कौन होना चाहिए? कामनी राठौर बनेगी। कामनी राठौर बनेगी डेफिनेटली। ये तो लोग पक्का है, पक्का कह रहे हैं, पक्का है। आइए अब इधर जो है इधर जो है माहौल बड़ा विचित्र है। सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर के लिए जी नाम क्या बुलवा रहे हैं सर? मेयर में आजा निशान बता दो, नाम नहीं पूछ रहे हम। निशान तो जो सिर्फ ये है कि जो अच्छा काम भाई है करेगा वो मेयर बनना चाहिए, इसकी योग्यता इसके पास हो। तो मेयर में तो किसकी योग्यता लग रही है? नहीं अब ये तो भाई काम बोलता है। काम काम किसका? काम किसने काम किया है? नहीं काम तो बीजेपी को बताएंगे। भैया मेयर कौन बनना चाहिए इस बार? मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर भैया बढ़िया प्रत्याशी रो, इस टाइम कोई नहीं दिख रहा। अच्छा बढ़िया कोई नहीं दिख रहा। किसको बनाएंगे? अब बेटा बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को बनाएंगे। भैया 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 इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? दूर रहते हैं पर ये नहीं पता कि ये यहाँ शहर से दूर रहते हैं या इस सब माहौल से दूर रहते हैं या ये किधर से दूर रहते हैं, ये तो यही जाने किधर के बारे में बता रहे हैं। लेकिन हम लोगों से पूछकर आपको जरूर बता रहे हैं कि इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर वो बननी चाहिए गुप्ता जी। कौन चाहिए? उज्जवल गुप्ता। उज्जवल गुप्ता। अच्छा आइए उज्जवल गुप्ता को बता रहे हैं मेयर बनना चाहिए। फिलहाल रोड पर थोड़ा सा अंधकार है, ठीक
तीन सवारी हल्की हो या भारी, भैया इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? नूतन राठौर कहाँ खड़ी है? कामिनी राठौर। अच्छा, मेयर कौन बनना चाहिए भैया? कामिनी राठौर जी बननी चाहिए। कामिनी राठौर जी बननी चाहिए, आपको क्या लगता है सर? अच्छा ठीक है, आप यहाँ के रहने वाले, क्यों कामिनी राठौर को बनना चाहिए? कामिनी राठौर को इसलिए बनना चाहिए कि कुछ नया होना चाहिए, हर बार एक ही को नहीं, कुछ नया होना चाहिए। तो पिछली बार तो आपने बीजेपी को दिया था, इस बार फिर से बीजेपी को देने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो फिर आप कह रहे हैं नया होना चाहिए। अरे यहाँ पे जो मेयर है, नगर निगम है, नगर निगम में जो मेयर हैं, तो मेयर का चुनाव एक ही को क्यों दिया जाए? अच्छा, प्रत्याशी को नया देना चाहिए। हाँ, नया प्रत्याशी को देना चाहिए। और लोगों से जान पड़े कुछ दिखे तो हकीकत जो है सच जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और फिलहाल हमको बहुत दौड़ना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? कामिनी राठौर बननी चाहिए। अच्छा, कामिनी राठौर बननी चाहिए, ये बता रहे हैं। और हाँ, इधर जी, इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? मेयर कौन बनना चाहिए जी? उज्जला। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, मेयर कौन बनना चाहिए? हाँ जी, मेयर कौन बनना चाहिए? उज्जवल गुप्ता बननी चाहिए। आपको क्या लगता है, मेयर कौन बनना चाहिए? उज्जवल गुप्ता। सर, मेयर कौन बनना चाहिए? मैं अच्छा जी, इस बार मेयर कौन बनना चाहिए भैया? कोई बन जाए। आपको क्या लगता है, मेयर कौन बनना चाहिए? कामिनी राठौर बननी चाहिए जी। कामिनी राठौर। अच्छा, आप बताएं सर। अच्छा, आप बताएं सर। कामिनी राठौर बननी चाहिए। इस बार मेयर कौन बनना चाहिए भैया? कामिनी राठौर। इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? जो अच्छा हो वही बने, सही रहेगा। कौन सा पार्टी? देखिए, पार्टी के ऊपर तो नहीं, जो इंसान है ना, हमेशा पार्टी क्या करती है कि ना किसी को भी टिकट दे देती है। हाँ। तो मेरे ख्याल से इंसान वो होना चाहिए जो जमीन से जुड़ा हो, लोगों उस पर आसानी से भरोसा कर सके, अपनी हाँ। बात को रख सके। बट आजकल जो अभी हमने इंटरव्यू देखा तो देखे थे, कहना तो नहीं चाहिए, कुछ पार्टियों ने ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिनको ना कोई मतलब ही नहीं है, कुछ बोलना ही नहीं आ रहा, क्या कहना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लोगों को टिकट खाली वही लोगों को दे अगली बार से पार्टी, और लोग शायद उनको चुनेंगे जो अच्छी तरीके से उनके एरिया में काम कर रहे हैं। तो ये विचार है लोगों के। सर, इस बार मेयर कौन बनना चाहिए? सर, बीजेपी का आदमी होना चाहिए। आदमी कहाँ यार, औरत खड़ी है, जो भी है बीजेपी का। अच्छा, वो अपना कुत्ता भी खड़ा करते उसी के लिए वोट है जी। बीजेपी अपना कुत्ता भी खड़ा करते, नाम से कोई नहीं जानता, फूल को जानता केवल बस। अच्छा, तो फूल को वोट जाएगा? काहे जाएगा, मन अपना। अच्छा, अपना मन। सर बताइए, आप इस बार फूली है। हाँ, वोट है आपका? वोट है। किसको देंगे? मोदी को। क्यों? अच्छा, कने दे दूं, तुम बताओ। नहीं, हम क्या बताएं, तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसको दो। मायावती को दे दूंगा मैं। अच्छा, ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, जिसका मर्जी है उसको दो, जब जागी मर्जी आएगी हम डाल देंगे। अच्छा, मर्जी आएगी उसमें डाल देंगे। चलो ठीक है भैया, मैं वही मोदी में डालूंगा और मायावती में, दोनों में डालूंगा। दोनों में कैसे लग जाएगा? देख, गजब करेंगे यार, ये दो में डालेंगे। ईवीएम को परेशान करेंगे। वही आंकड़े बनाएंगे, वही समीकरण आपको दिखाएंगे कि सच क्या है। हाँ जी, इस बार मेयर कौन बनना चाहिए सर? मेयर सर जो कोई बन जाए। कोई एक नाम बता दो यार, कौन बनना चाहिए? अरे आप मतलब दुकान बंद कराने जो बारे में मेरी। अरे नहीं, अरे भाई मैं नहीं बता सकता। अच्छा, मैं मानो किसी का नाम लूं दूसरी पार्टी के। अच्छा,
अच्छा लो जी लो लो जी लो लो जी लो यहाँ तो डर रहे हैं आप बताइए सर इस बार मेयर कौन बनना चाहिए कामनी राठौर कामनी राठौर निडर होके बता रहे हैं बिल्कुल अच्छा बिल्कुल निडर वो जीतेंगी बिल्कुल जीतेंगी कैसे कैसे मोदी जी का आशीर्वाद है अच्छा योगी गुंडा खत्म है अच्छा गुंडागर्दी खत्म है गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल अच्छा और क्या सुविधा है हर सुविधा भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया अच्छा हाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनवा दिया भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया हाँ। योगी महाराज की महिमा है योगी महाराज मोदी जी का आशीर्वाद है नाम ही लेना चाहिए मुझे हाँ। वो बहुत ही लोकप्रिय नेता है अच्छा उनसे ज्यादा ये लोकप्रिय नेता है ही नहीं कोई अच्छा विश्व में जी पूरे विश्व में अपनी आत्मा से कह रहा हूँ अच्छा जय नाम सुनील कुमार है अच्छा जी सुनील कुमार जी तो पूरे विश्व में मोदी जी से अच्छा कोई नेता नहीं है कोई नेता नहीं है जी अच्छा तो अगर पूरे विश्व का एक कोई बड़ा नेता बनाया जाए जो पूरे विश्व को चलाए मोदी जी है तो वो मोदी होना चाहिए जी अच्छा बिल्कुल जी बिल्कुल भाई बड़े डंके की चोट पे कह रहे हैं आपको क्या लगता है इस बार मेयर कौन होना चाहिए अपना भाई बीजेपी बीजेपी होनी चाहिए जी बिल्कुल आपको क्या लगता है सर इस बार मेयर कौन होना चाहिए कोई भी हो हमें क्या करना है हाँ कोई भी हो हमें क्या करना है जय श्री राम जय श्री राम अच्छा इधर भैया मेयर कौन होना चाहिए इस बार मेयर मेरे लिए तो उज्जवल गुप्ता ही है अभी उज्जवल गुप्ता है अच्छा फुल सपोर्ट उनके लिए क्यों क्योंकि हम बचपन से जानते हो ना अच्छा हमारे पिताजी के साथ में तो उनके पिताजी का अच्छा रिश्ता रहा है अच्छा गारमेंट्स का काम है उनका अच्छा आप बताइए जी भैया कोई भी बस काम बढ़िया होना चाहिए काम बढ़िया होना चाहिए जी सर इस बार कौन मेयर होना चाहिए तो हमारे भाई साहब भी बता पाएंगे तो अच्छा भाई साहब बताइए इस बार मेयर कौन होना चाहिए कोई भी हो बस काम अच्छा करे और काम अच्छा करे साफ सफाई अच्छी करे ऐसा मेयर होना चाहिए अच्छा एक ऐसा टेस्ट भी रखना चाहिए कि उम्मीदवार कैंडिडेट ये जो लोग कह रहे हैं ये करके दिखाएं और उसमें जो पास हो फिर वो जीते ऐसा कुछ होता नहीं है यार हमारे यहाँ आप बताइए मेयर कौन होना चाहिए इस बार मेयर कौन होना चाहिए मैं तो पार्टी समर्थन दूंगा पार्टी कौन सी पार्टी बीजेपी से सर इस बार मेयर कौन होना चाहिए बेल पेट के लिए बहुत बढ़िया है आप जरूर खाइएगा धीरे धीरे चलते हुए जलेसर रोड चौराहे पर फिरोजाबाद क्लब चौराहा है ये और यहाँ पर हमने आपको झील की पुलिया से लेकर के और जलेसर रोड चौराहे तक का आज हमने आपको सर्वे दिखाया और लगातार हम इसी तरह का सर्वे आपको दिखाते रहेंगे तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद लेकिन हाँ जाते जाते एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए क्योंकि इस तरह का सर्वे ये जो यूनिक सर्वे है अद्भुत सर्वे है जो हम आपके सामने जमीनी हकीकत लेकर आए हैं वो कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद।